हर हर महादेव। वाराणसी आध्यात्मिक नगरी में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। वाराणसी का दूसरा नाम काशी विश्वनाथ भी है, जो कि बाबा के नाम से जाना जाता है। यह नगरी हजारों साल पुरानी बसी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी भोले बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, जिसको काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि साल भर में गोवा मनाली से ज़्यादा पर्यटक यहीं पर आना पसंद करता है। यहीं पर सारनाथ भी है, जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को भी दिया था। यहां पर लोग उम्र के अंतिम समय में मोक्ष पाने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, वाराणसी अगर घूमना है तो यहां की गलियों को जरूर घूमें। यहां का मुख्य व्यंजन का स्वाद जरूर लें। वैसे तो आम दिनों में 2-3 घंटे में बाबा के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन विशेष अवसर पर 5-6 घंटे भी आपको लग सकते हैं। वैसे तो पूरे बनारस को घूमने के लिए 1-2 हफ्ता भी कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ मुख्य जगह घूमने के लिए 1 रात और 2 दिन का समय काफ़ी होता है। तो आइए चलते हैं हम लोग बाबा की नगरी को घूमने के लिए। और यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, यहाँ पर कहाँ रुकना चाहिए, यहाँ पर घूमने की जगह क्या क्या है, यहाँ पर दर्शन कैसे किए जाएं, पूरा बजट क्या होना चाहिए और यहाँ पर शॉपिंग क्या करनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ का मुख्य व्यंजन क्या है, सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। और यहाँ का एक मणिकर्णिका घाट है, महाशमशान। इसको महाशमशान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कैसे आना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई दोस्त लोग नए हों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर आने का सबसे सस्ता और सुगम रेल मार्ग है, जो कि आप किसी भी शहर से ट्रेन पकड़ के वाराणसी जंक्शन आ सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए हर शहर से और हर राज्य से बस अवेलेबल है। एसी बस भी है और मामूली बस भी है। तो अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ पर वायु मार्ग की भी सुविधा है। यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, जो कि मेन शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपको टैक्सी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। और वाराणसी कैंट से बाहर निकलकर आप ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की सहायता से, जो कि 20-25 रुपए आपको चार्ज करेंगे, गदौलिया चौराहा आपको पहुंचा देंगे। यहीं पर आपको सारी सुख सुविधा आपको मिलने वाली है और आपका समय यहीं पर व्यतीत होने वाला है। तो सर्वप्रथम आप गदौलिया चौराहे पर आ जाएं और इसके बाद ही यहीं पर आपको बजट होटल और धर्मशाला भी मिल जाएंगे। धर्मशाला की बात करें तो 500 से चालू हो जाती है, और होटल की बात करें तो अच्छा होटल 1000 से शुरू हो जाता है। अगर आप बनारस की गलियों में चले जाते हैं तो होटल या धर्मशाला के 100-200 रुपया आपको किफ़ायत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं दशा समेत घाट। होटल के बाद हम लोग घाट पहुंच जाते हैं और यहां पर आप नहाना भी कीजिए, और अगर आप पूजा देना चाहते हैं पूर्वजों के लिए तो पूजा भी दे सकते हैं। तो और यहाँ पर रुकने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कपड़ा बदलने के लिए जगह जगह स्थान बने हुए हैं, महिलाओं के लिए भी बने हुए हैं, लॉकर रूम भी बने हुए हैं। इसके बाद ही हम लोग दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए बाबा के दरबार में जाते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन्हीं दिनों बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बनाया हुआ है। बाकी आप लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर हर महादेव यह शिवलिंग है, इसके आप लोग दर्शन कर लीजिए।
ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जा भी नहीं सकते हैं तो कहीं से अगर आपको दर्शन भी होते हैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद बाहर निकलिए तो शुद्ध शाकाहारी व्यंजन है, व्यंजन की कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के लिए 150-200 रुपए में भर थाली भर पेट खाना खा लीजिए। फिर उसके बाद विश्व प्रसिद्ध यहाँ का मलइयो खाना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप आए हैं तो गदौलिया चौराहे पर मलइयो खाना जरूर बनता है। और उसके बाद आप यहाँ से फिर ऑटो पकड़िए गदौलिया चौराहे से, और दुर्गा कुंड के लिए 20-25 रुपए आपको चार्ज करेंगे और यह दुर्गा कुंड आपको पहुँचा देंगे। दुर्गा कुंड पहुँच जाइए, यहाँ से हाथ मुँह धो लीजिए, और यह शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ माना जाता है, तो यहाँ पर माता जी से दर्शन कीजिए और अपनी प्रार्थना कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी कोई आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और इसी के बगल में दोस्तों तुलसी मानस मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है, और इसी के पास में ही मंदिर प्रांगण में बहुत बढ़िया गार्डन है, तो कुछ समय आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो यहाँ पर बच्चों के घूमने के लिए जन्माष्टमी का झांकी भी लगाई जाती है दोस्तों, तो बच्चों के लिए यह तो विशेष रूप से है, तो अगर आप सावन में आते हैं तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। और इसी के पास में ही संकट मोचन बाबा हनुमान जी का मंदिर है, यह हजारों साल पुराना बना हुआ मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर आइए और यहाँ पर भी आप प्रार्थना कीजिए, अर्चना कीजिए, और यह बहुत मैं क्या बताऊं दोस्तों, यह इतना पुराना मंदिर है कि आप यहाँ पर आएंगे तो एक अलग अनुभूति आपको मिलेगी। और इसके दर्शन करने के बाद फिर आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा पकड़ लीजिए, और जो कि BHU यूनिवर्सिटी गेट पहुंचा देगा। 20-25 रुपए यह लोग चार्ज करते हैं। गेट को लंका के नाम से भी जाना जाता है, और मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर जो भी कोई राजनीतिक गतिविधि होती है, धरना प्रदर्शन होता है, तो वह सब इसी मुख्य द्वार पर, इसको सिंह द्वार भी कहा जाता है। और इस यहाँ पर पहुँच कर फिर से आप रिक्शा पकड़ लीजिए और शिव मंदिर की ओर प्रस्थान कर दीजिए, जिसका नाम बिड़ला मंदिर भी कहा जाता है। तो यह बहुत बड़े प्रांगण में बसा हुआ है और BHU के बीचों बीच में शिव मंदिर है। यहाँ पर जाके आप भोले बाबा के दर्शन कीजिए, और बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो आप देखकर आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। जब आप दर्शन कर लें दोस्तों तो यहाँ से ऑटो पकड़िए और फिर से वापस गदौलिया चौराहे पर आ जाइए, यहीं पर आपका होटल भी लिया हुआ है। और इसके बाद विश्व प्रसिद्ध मिश्राम्बु ठंडई जिसको कहते हैं, उसको पीना ना भूलिएगा, क्योंकि यह चीज़ खाली आपको बनारस में ही मिलेगी। और फिर इसके बाद एक मगही पान, आए बनारस आए और मगही पान ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता है। मगही पान का बीड़ा आप जरूर खाइए कत्था चूना के साथ। और फिर यहीं पर एक मायापुरी नाम की दुकान है दोस्तों, तो वहां से आप बनारसी साड़ी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर जब भी जाता हूं तो अपने परिवार के लिए साड़ी वगैरह लेता हूं। और इसके बाद ही फिर आप गंगा घाट की तरफ, नमो घाट बना हुआ है, वहाँ पर भी जाके आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नौका विहार का आनंद लीजिए। यहाँ पर 10 से 12 घाट हैं, यह लोग 100 या 150 रुपया पर हेड चार्ज करते हैं और आपको पूरा नौका विहार करा देते हैं। शाम की गंगा आरती 7 बजे का समय है, तो आप लोग गंगा आरती भी यहाँ पर देख लीजिए। जब आप लोग नौका विहार करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक मणिकर्णिका घाट भी है,
जिसके बारे में मैं आपको बताने के लिए कह रहा था। तो मणिकर्णिका घाट महाशमशान के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल से यहाँ पर चिता की राख कभी ठंडी नहीं हुई है, हमेशा जलती रही है। और इसके बाद आप लोग अपने होटल आ जाइए, खाना पीना कर लीजिए और आराम कर लीजिए, और हो सके तो अर्ली मॉर्निंग सुबह प्रातः में उठ के गंगा घाट चले जाइए। वहाँ से जो सूर्य देवता उगेंगे, जैसे जैसे सूर्य देवता ऊपर की ओर आएंगे, वह सीन आपको देखते ही बनेगा, यह सीन फिर दोबारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आप लोग चले जाइए वाराणसी कैंट स्टेशन, यहीं से आपको सारनाथ जाने के लिए ऑटो बस टैक्सी सब कुछ मिलेगा। जब आप लोग सारनाथ पहुंचेंगे तो आप लोग वहां पर ये देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध ने यहीं पर ही अपने 5 भक्तों को प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ भूमि बहुत ही ऐतिहासिक मानी जाती है। और यहाँ पर आपको सारनाथ घूमने के लिए वैसे तो पूरा दिन ही लग जाएगा, क्योंकि इतिहास को समझना है। यहाँ पर पक्षी अभयारण्य भी है, चिड़ियाघर, जिसकी कोई फीस नहीं है, इसका भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जैपनीज शैली में बना हुआ, जैपनीजों के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर भी है, उसका भी आप लोग आनंद ले सकते हैं। महाबोधि मंदिर भी है, श्रीलंका के द्वारा बनाया हुआ, तिब्बत के द्वारा बनाया हुआ भी मंदिर है। और यहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर हम लोगों के देश का प्रतीक चिन्ह 4 शेर आज भी सहज के रखा गया है। इसकी चमक हजारों साल बाद भी ऐसी लगती है दोस्तों कि देखते ही बनती है। और यह म्यूजियम बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे समझेंगे तो 1-2 घंटा तो मामूली बात है। यहाँ के जो खंडहर हैं, इनकी खुदाई आज भी जारी है। यह सब स्तूप बने हुए हैं, छोटे छोटे स्तूप हैं, चैत्य हैं। यहाँ पर अशोक सम्राट के द्वारा जो पिलर था वह भी रखा हुआ है, तो उसको भी इतिहास की नज़रों से देखा जा सकता है। वैसे तो दोस्तों अब हमारा टूर प्लान यहीं पर समाप्त तो होता है। यह टूर प्लान 2 दिन और 1 रात के लिए बना हुआ है। ट्रेन टिकट छोड़कर पर हेड इसका खर्चा 3,500 से 4,000 रुपये आता है। और अगर आपको इसके बाद भी अगर समय कुछ मिलता है तो फिर आप लोग घूमने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वह भी घूम सकते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम नौका विहार करते हुए गंगा के उस पार चले जाइए, रामनगर किला है वाराणसी गंगा के उस पार। तो यहाँ पर इतिहास को आज भी जैस की तैस सजो कर रखा गया है आप लोगों के देखने के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग घूम सकते हैं अगर आपके पास 1 नाइट का समय और है तो। फिर रानी लक्ष्मीबाई जन्म स्थली है, उसको भी आप लोग घूम सकते हैं। और दोस्तों यहीं पर यह पावन यात्रा समाप्त होती है। फिर से मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन दोस्तों के साथ आप घूमना चाहते हैं।